आज तारीख है 1 जुलाई, लेकिन उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया है। जुलाई में जब मानसून की फुहारें धरती को ठंडा कर रही होती हैं, उस वक्त आसमान से आग बरस रही है और बढ़े हुए तापमान का ये तांडव सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, कनाडा से लेकर अमेरिका तक गर्मी ने गदर काटा हुआ है। मौसम के संतुलन का कांटा इस कदर बिगड़ा है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में कोहराम मचा हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है और इस त्राहिमाम से इंसान को राहत कब और कैसे मिलेगी? अभी इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, एहतियात बरतें और ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में ही बिताएं। कुदरत का क्रोध कहिए, प्रकृति का बिगड़ा हुआ संतुलन कहिए, या फिर मौसम से इंसान के खिलवाड़ का नतीजा कह लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद डरावना है। सूरज की तपिश बर्दाश्त कर पाने की सीमा को भी लांघ चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कनाडा के वैंकूवर तक पारे के प्रकोप ने जीना मुहाल कर दिया है। कौन जानता था कि 1 जुलाई के दिन भी सूरज की किरणें इतनी तीखी लगने लगेंगी कि आसमान की तरफ आंख उठाकर देखना नामुमकिन हो जाएगा। ये मानसून की दस्तक की घड़ी थी, जब बारिश दिल्ली समेत उत्तर भारत को दर करने लगती थी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। उल्टा जुलाई महीने की शुरुआत भी मई और जून महीने में चलने वाली भयंकर लू के साथ हुई है। राजधानी दिल्ली में सूरज आग उगल रहा है। दिल्ली में बुधवार का दिन अब तक का साल का सबसे गर्म दिन रहा, जब तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही नहीं, लू का भी सामना कर लोगों को करना पड़ा। वहीं अगर आज की बात करें तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार जो न्यूनतम तापमान है वो 31 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। और साथ ही साथ मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि आज भी हीट वेव यानी लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा। सुना आपने, बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड बना। इस भयानक गर्मी में मास्क किसी काले पानी की सजा से कम नहीं है। दम घोटू गर्मी में जब मास्क लगाकर सड़क पर चलना पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो धड़कनें साथ नहीं दे रही। लेकिन देश का आदमी मरता क्या न करता, पेट भरने के लिए और काम पर जाने के लिए घर से तो निकलना ही। इतनी गर्मी, बारिश होना चाहिए और बारिश जरूरी, वरना बुरा हाल हो रहा है। क्योंकि क्या करें, काम नहीं करें तो घर में फिर परेशानी है, इसलिए गर्मी के देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है कि हम लोग इतना मतलब हम घर से बाहर निकलने में भी सोचते हैं कि निकले या नहीं निकले। तो बस इसी वजह से आज ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज गर्मी टॉलरेट नहीं होगी तो हम लोग यहाँ आइसक्रीम खाने आ गए। थोड़ा सा तो कूल फील हो हमें। दिल्ली से लेकर आगरा तक और राजस्थान के चूरू से लेकर धौलपुर तक गर्मी आक्रामक तेवर दिखा रही है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी गर्मी होना तो सामान्य बात है। हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब जुलाई की शुरुआत में हो रहा है। लेकिन कनाडा के जिन इलाकों में लोगों को कभी एयर कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ भला गर्मी क्यों गदर मचाने लगी? सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दिल्ली से 11,000 किलोमीटर दूर कनाडा में तापमान 49.1 डिग्री तक पहुंच चुका है और कनाडा के वैंकूवर में 69 लोगों की मौत की खबर आई है। कनाडा पहली बार गर्मी की ऐसी दहशत को देख रहा है। हालात ये हैं कि सड़क पर फव्वारे चलाए जा रहे हैं। कनाडा के पश्चिम और अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गर्मी और लू ने हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन में मंगलवार को तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रविवार के पहले तक कनाडा ने अपने इतिहास में कभी भी 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार नहीं किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्मी इतनी ज्यादा है कि कनाडा में कुछ जगह सड़क पर दरारें दिखने लगी हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि मौत की संख्या अचानक बढ़ गई है और इसके बाद कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर को आकर जवाब देना पड़ा और कहना पड़ा कि ये प्रांत के इतिहास का सबसे गर्म हफ्ता रहा। दरअसल कनाडा हीट डोम की चपेट में है।
10,000 साल में पहली बार हीट डोम का प्रभाव कनाडा पर पड़ा है, जिसकी वजह से पोर्टलैंड, इहाडो, ओरेगन गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। सवाल ये है कि हीट डोम आखिर कौन सी बला है जिसने कनाडा के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल कर रख दिया है। हीट डोम को इस एनिमेशन के जरिए समझिए। अमेरिका के नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक हीट डोम वो स्थिति है जब वायुमंडल में गर्म हवाओं की एक टोपी जैसी संरचना बन जाती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब समंदर का तापमान बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन कहा जाता है। समुद्र के बढ़ते तापमान की वजह से गर्म हवाएं गर्म होकर समुद्र तल से ऊपर उठती हैं। उच्च दबाव इन गर्म हवाओं को नीचे की तरफ धकेलता है और गर्म हवाएं सिकुड़कर हीट वेब बनाती हैं। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि बादलों को हीट डोम से दूर करता है। ऐसे ही हीट डोम की चपेट में फंसा है अमेरिका। गर्मी की वजह से कनाडा के वैंकूवर में स्कूलों और कोरोना टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान में आपने कभी कूलिंग सेंटर जैसी किसी व्यवस्था के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कनाडा में सरकार ने आम लोगों के लिए ऐसे कूलिंग सेंटर बनाए हैं जहां लोग दिन रात बिता सकते हैं। समंदर किनारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, मानो पानी के बाहर आएंगे तो जल जाएंगे। कनाडा के बाद अमेरिका के सिएटल का हाल देख लीजिए, जहां लोग किसी भी तरीके को आजमाकर गर्मी से निजात नहीं पा रहे हैं। सिएटल में सोमवार शाम को तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। ओरेगन में तापमान 46 डिग्री था। अब कल्पना कीजिए, जहां जून में तापमान 21 डिग्री के आसपास रहता हो, जो इलाका बारिश के लिए मशहूर रहता हो, और जून में ठंडक की वजह से उसे जनवरी कहते हों, अगर वहां तापमान 46 डिग्री को पार करेगा तो मंजर कैसा होगा। हिंदुस्तानियों को गर्मी की आदत है, लेकिन फिर पारा 40 डिग्री पार होते ही हम आह भरने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कभी तापमान का ऐसा सितम सहा ही न हो, उनके लिए इसे झेलना कितना दुभर होता होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी तांडव मचा रही है, मौसम की मार अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में पड़ रही है। जर्मनी की तस्वीरें देख लीजिए, जहां इतनी बारिश हुई कि पूरा स्टटगर्ट शहर डूबने की कगार पर पहुंच गया। कनाडा और अमेरिका में आग बरस रही है, लेकिन फ्रांस में बर्फ बरस रही है। मंगलवार को उत्तर पूर्व फ्रांस के गांव में ओलों की इतनी बारिश हुई कि जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। मैक्सिको में भयानक तूफान के बाद नदी में ऐसा उफान आया कि एक गाड़ी पानी की तेज लहरों में फंस गई। काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे शख्स को बचाया जा सका। हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि जो हो रहा है वो बेहद डरावना है, क्योंकि जब बारिश होनी चाहिए तब लू चल रही है, जहां ठंड पड़नी चाहिए वहां आग बरस रही है। और जो जगह धूप और अपने बीच के लिए मशहूर है, उस ब्राजील को देखिए, वो बर्फबारी से जूझ रहा है। दक्षिण ब्राजील में बर्फबारी बेहद असामान्य है, लेकिन दुनिया के चारों कोनों में सामान्य तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसका जवाब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने दिया था। जलवायु संकट सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया की समस्या नहीं है, न सिर्फ अकेले कनाडा की समस्या है, ये एक वैश्विक चुनौती है। पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ आगे आकर इस संकट में लड़ना होगा। मैं इसे वैश्विक आपदा ही कहूंगा। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और लोगों, समुदायों और धरती पर इसके असर को कम करने की कोशिश करनी होगी। जॉन हॉर्गन ने बिल्कुल सटीक फरमाया है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि दिल्ली से लेकर उत्तर भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। और जब आसपास की चीजें असामान्य हो रही हों, तो खतरे की घंटी की तरह देखा जाना चाहिए। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी से निजात नहीं मिली है। मॉनसून है कि मानो रूठ सा गया है। पिछले करीबन एक हफ्ते से राजस्थान में मॉनसून प्रवेश तो कर चुका है, लेकिन भीलवाड़ा, बाड़मेर और धौलपुर की उत्तरी लाइन से अटका हुआ है। इसी के चलते राजस्थान के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री तक चल रहा है। अपने ही देश के एक हिस्से में गर्मी से जान जा रही है, जबकि बिहार में लगातार बारिश ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। असम में तो गाँव के गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाता है, और वो संकट कई तरीके का हो सकता है। आपके घर से लेकर रोजगार तक पर मौसम मार करता है। दिल्ली के सलमान को ही देख लीजिए, पूरे दिन दुकान खोलकर बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राहक पहुंचता ही नहीं। बहुत ज्यादा है, गर्म भी बहुत ज्यादा, मार्केट में
भीड़ भी नहीं है, क्राउड ही नहीं है, काम ही नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है बैठे बैठे। गर्मी की वजह से नहीं आ रहा यार, लॉकडाउन कुछ ऐसे समथिंग। राजकुमार ऑटो चलाते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ सुबह और शाम को ही कुछ सवारियां मिलती हैं। दोपहर में तो सन्नाटा पसरा रहता है। सवारियां जी बहुत कम मिल रही हैं। गर्मी का असर सवारियों पे भी पड़ रहा है? सवारी पे भी पड़ रहा जी, सवेरे शाम ही सवारियां मिलती हैं, बस दोपहर में तो सवारियां मिलती नहीं है। अगले एक हफ्ते तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। हमारे पास इस बार मानसून थोड़ा डिले है और अगले 7 दिनों तक ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही है फेवरेबल जिससे मानसून प्रोग्रेस करे। इस वजह से हमारे पास जो है जुलाई आने के बावजूद भी हमारे पास हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है और टेम्परेचर बढ़े हुए। इसीलिए कोरोना काल में गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अननेसेसरी आप बाहर ना निकले, जैसे वैसे कोविड में तो हम प्रिकॉशन ले रहे थे, तो आप भी आउटडोर एक्टिविटीज एकदम लिमिटेड रखिए। जैसे आप स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते थे या करते हैं तो या तो अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर कम हो तब करिए, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें जिसमें आप डिहाइड्रेट हो जाए। एंड सेकेंड, आप अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए, एंड आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीजिए या उसमें ORS का घोल डाल के वो पीजिए। हालांकि इस बीच सुकून पहुंचाने वाली एक खबर आई है। आज मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जुलाई में पूरे देश में सामान्य बारिश होगी। 8 जुलाई तक पूरे देश में मॉनसून आना था लेकिन नहीं आया। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक भी मॉनसून पूरे देश को कवर करता है तो इसे सामान्य ही माना जाएगा। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, देखा आपने कि कैसे पूरी दुनिया में मौसम जो है वो कहर बरपा रहा है। जहां बर्फ गिरनी है वहां पर गर्मी, और जहां गर्मी वहां बारिश और बर्फ का कहर। जुलाई में कुदरत का करंट लग रहा है, और वैसे भी कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। तो भारत की बात में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ABP News, आपको रखे आगे।